हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ चावल, क्योंकि इन चावलों में हो गए हैं कीड़े, तो इनको मुझे फैलाना है। और मैंने ये धूप में नहीं फैलाए हैं, इनको कमरे में अंदर ही है, तो इन्हें मैं कमरे में अंदर ही फैलाऊंगी, क्योंकि चावल को धूप में नहीं फैलाती है, क्योंकि चावल ख़राब हो जाते हैं। तो इनमें वो वाइट वाले कीड़े हो गए हैं, तो बस इनको इसी में फैला देंगे, तो वो निकल जाएंगे। तो फिर इनमें दवाई लगा के रख देंगे। और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, तो बस मैं ये कर रही थी। और यहाँ पे साफ़ करने जा रही थी मूंग, मम्मी साफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा लाओ मैं साफ़ कर देती हूँ। मैंने मम्मी को हटा दिया है, तो बस मैं ही करने जा रही थी। हाँ, और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आवाज़ सभी की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, वो खेल रहा है तो बीच बीच में रोने। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आज पूरा देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेके आई हूँ, तो प्लीज़ आज मेरा वीडियो पूरा देखें। और मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मैं सोचा चलो मैं जो कर रही हूँ आज, चलो वही दिखा देती हूँ। तो देखिए इसमें कितनी मिट्टी है, ये मिट्टी साफ़ करनी है, मिट्टी है, लकड़ी है, देखो साफ़ होके कितनी अच्छी लग रही है। और ये आज जो खेतों में से कट के और उसे निकल रही है, तो जो पीछे से रह जाती है मिट्टी वाली, तो ये वही है। और हाँ, आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ और दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये है सत्तू, जो लोग गांव से बिलोंग करती हैं वो लोग जानते हैं। और इसे हाथ वाली चक्की से पीसा जाता है, तो अभी इसे आधा आधा कर रहे हैं, फिर इसे शायद इसे पिसवाना पड़ेगा, ये चक्की से पिसेगा। अभी इसे अलग अलग कर रहे हैं। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। और मेरी आज तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है। आज मेरे ना सिर में दर्द हो रहा है, एक साइड हो रहा है यहाँ से और यहाँ तक हो रहा है। तो और हमारे शब्द भी जग चुकी है, वैसे वो सो रहे थे और अब वो जग गए हैं। और कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है जो मैं शेयर कर रही हूँ। बेटी जग गए तुम? तो ये है बाव का सनस्क्रीन, यह है बाव का सनस्क्रीन मैट फिनिश, ये SPF 55 है। ये मैंने बाव से परचेज़ किया, ये काफ़ी अच्छा है, सनस्क्रीन है। और इसे मंगाए कम से कम मुझे 8-10 दिन हो गए, तो मैं तब से इसे यूज भी कर रही हूँ। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी हद तक अच्छा है। और अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी दे सकती हो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लियो और पूरे फेस पे हो जाती है। जैसे कि मैं अभी आपको इसको लगा के बताती हूँ, मैंने देखो थोड़ा सा लिया है, बिल्कुल ज़रा सा है। देखो मैं आपको सही से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो तो कैसे लगाना है इसको, ऐसे ऐसे करके टप टप करके आपको पूरे फेस पे अपने पे ऐसे ऐसे करके लगा लेना है। और ये मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। काफ़ी अच्छी है और इसके साथ मुझे एक चीज़ और मिली है, वो है हैंड्स नेल क्रीम। ये मुझे इसके साथ फ्री मिली है। ये देखो,
से इसे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये भी बाव की है, ये हैंड्स और नेल्स क्रीम है, तो मैं इसे भी अभी आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छी है, देखो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अभी मैंने इसे लगाया तो नहीं है, मैं आज ही इसे लगा रही हूँ मैंने। और इसे हैंड और नेल पे लगाना है, जैसे कि किसी के नेलों पे चमक नहीं होती है तो इसे लगाने से शाइनिंग सी आ जाती है, अच्छी है। देखो मैं भी आपको किस तरीके से आपको लगाना है, अपने नेल्सों पर रगड़ रगड़ के लगाना है। नेल्स चाहे हाथों के हों या पैरों के हों, आप कहीं भी लगा सकते हो। काफ़ी अच्छी शाइनिंग आ रही है इससे, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आई है। दोनों ही चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। ये देखिए नेल्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये देखो मेरे दोनों हाथों में कितना। मुझे ये दोनों ही चीज़ काफ़ी पसंद आई है। अगर आप लोगों को लेनी हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी सी है, देखो नेल्सों पे भी काफ़ी अच्छी शाइनिंग सी आ रही है। देखो अगर आप डेली में नेल पेंट नहीं लगाते हो ना तो इसे लगा लो तो काफ़ी अच्छी शाइनिंग आ रही है। देखो शायद मेरा कैमरा सही से कैप्चर नहीं कर रहा है, पर ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप ले सकते हैं। और सनस्क्रीन भी बहुत अच्छी है, और सनस्क्रीन तो हर कोई यूज़ करता है, जैसे आप धूप में निकलते हैं तो लगाना भी ज़रूरी है। हमारी स्किन पे सन मतलब धूप की वजह से काली सी हो जाती है, तो इसे लगा लो तो धूप का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और इसके क्या और इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें क्या क्या नहीं है, ये नो ऑल स्किन टाइप है, ये मेड इन इंडिया है। और आप और इसका नेट वेट है 100 ml, वेरी हाई वोल्ट स्पेक्ट्रम UVAS UVB प्रोटेक्शन, ये सन प्रोटेक्शन को रोकता है। तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आई है, और आप लोगों को भी पसंद आने वाली है। आप लोग एक बार इसे लगा के ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आप लोगों को भी ये काफ़ी पसंद आने वाली है। और शब्या मेरी तरफ़ देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मुझसे बात कर रही हैं, तो वो देख देख के हंस रहा है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं। थैंक यू।